दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया हम फ्री फायर को बिना किसी ऐप से यानी कि कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें और फ्री फायर हाइड हो जाए, छुप जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप किसी भी एप्लीकेशन की मदद से बिल्कुल भी नहीं यानी कि कोई भी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है, आप अपने फ़ोन से ही फ्री फायर को हाइड कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, ईजिली तरीके से। जी हाँ दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिना किसी थर्ड पार्टिकल एप्लीकेशन से आप अपने फ्री फायर को अपने फ़ोन की सेटिंग से ही हाइड कर सकते हो, वो भी सिंपल तरीके से, ईजिली तरीके से। तो भैया वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं हूँ दोस्तों इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त बिमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको दोस्तों फ्री फायर को आप बिना किसी ऐप्स आपकी डाउनलोडिंग बगैर किसी किए हुए आप किस तरीके से इसे हार्ड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना नहीं करना है और आप फ्री फायर को हार्ड कर दोगे कुछ ही सेकंडों में, यहाँ पे आप हार्ड कर दोगे। तो दोस्तों फ्री फायर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फ़ोन में, ये देखो फ्री फायर आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप पबजी लाइट को भी हार्ड कर सकते हैं, पबजी को भी हार्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं फ्री फायर को ही यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं सभी का बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे आप ये सेटिंग जो मैं बताऊँगा फ्री फायर को हार्ड करने वाली, वो सेटिंग आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम फ्री फायर को यहां हाइड करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा इस तरीके से, जैसे कि मोबाइल की सेटिंग में चला आया हूं। अब यहां पे मैं ढूंढता हूं, जैसे कि आपको यहां पे आपको यहां पे ढूंढ लेना होगा प्राइवेसी। कन्वेंस टूल के जस्ट नीचे आपको मिलेगा प्राइवेसी, प्राइवेसी के ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक यहाँ पे तो आपको मिलता है ऐप लॉक। ठीक है, किड्स स्पेस के जस्ट ऊपर उस पर आपको टैप करना है, ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन कुछ देर के लिए ब्लिंक नज़र आएगी आपको। तो यहाँ पे अगर आप फ़ोन अच्छे तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे अपने फ़ोन में दूसरे में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पासवर्ड सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ सेट पासवर्ड पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई तरीके के आप पैटर्न भी लगा सकते हो, पासवर्ड भी आप डिजिट पासवर्ड भी दे सकते हो। ठीक है, आप अल्फाबेट वाले कैरेक्टर भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 6 अंकों का यहाँ पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, आपको भी 6 अंकों का डाल देना है, अगर आप अलग तरीके से डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ रिकवरी के लिए बोलता है, तो यहाँ पे आपको अपना रिकवरी के लिए अपना नेम डाल देना है। ठीक है, अपना नेम डालोगे, अपना नाम डालना है, डन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये ऑप्शन आपको इस तरीके से पहले से ही टिक करके मिलेंगे, तो नहीं आपको इस तरीके से हटा देना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ लॉक पे नीचे क्लिक करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ फ्री फायर को ढूंढना है आपको। ठीक है, तो हम फ्री फायर को इस तरीके से ढूंढ लेते हैं, इस पर हम टैप करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा ऐप लॉक, इस पर आपको टैप करना है और नीचे की तरफ आपको मिलेगा हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन। ठीक है, इस पर हमें टैप करना है। अगर दोस्तों अगर आप पहली बार इस तरीके का ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है अगर आप पहली बार किसी भी ऐप को हाइड करने की सेटिंग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हैज लगा के 1 2 3 4 5 हैज, यानी कि कोई भी पासवर्ड आपको हैज लगाना है, बाद में हैज लगा देना है डिजिट डालने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं बाहर, जो पासवर्ड आप बना लेते हैं वही पासवर्ड, जी देखो हार्ड हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको अपने डायलर में जाके वही पासवर्ड जो आपको अंदर सेटिंग में डाला था वही डाल देना है। आप वहाँ डालोगे और तुरंत ही आपको हैड इन मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप यहाँ पर इस तरीके से इसे फ्री फायर को हार्ड कर पाएंगे। और अनहार्ड कैसे करना है, तो आपको सीधा मोबाइल की सेटिंग में जाना है और उसी जगह चले जाना है प्राइवेसी में जाके, नीचे आपको जाना है ऐप लॉक में और यहाँ पे जो आपका लॉक था ठीक है वो डाल देना है इस तरीके से। ठीक है, और हाँ यहाँ पे हम दिखा देता हूँ, देखो फ्री फायर इस तरीके से हमने टैप किया और यहाँ पे इस तरीके से आपको बंद कर देना है। ठीक है, जैसे आप बंद करोगे यहाँ पे आप पासवर्ड भी हटा सकते हो, तो पासवर्ड कैसे हटाएंगे, लॉक पासवर्ड, तो इस पर हम टैप करेंगे इस तरीके से, ये भी हट गया है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड कोने पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको टैप करना है। अब
चेंज प्राइवेसी पासवर्ड इन सेटिंग पे क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पे जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ टर्न ऑफ पासवर्ड, इस पर आपको टैप करना है, यहाँ ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे वही पासवर्ड आपको फिर डाल देना है, ठीक, जैसे कि मैंने डाल दिया। अब दोस्तों आपका फ्री फायर आपके फ़ोन में नज़र आएगा और यहाँ पे कोई भी आपका पासवर्ड लगा नहीं रहेगा। दोस्तों इस तरीके से आप फ्री फायर को हाइड अनहाइड कर पाएंगे बिना किसी ऐप की मदद से। तो दोस्तों को आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजबल रही होगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।